69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी अभ्यर्थी इस वक्त मंत्री के आवास के बाहर खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में बैनर लिए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान नहीं किया जा रहा। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण पर नियुक्ति नहीं की गई, इसको लेकर के बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी आज मंत्री संदीप सिंह के आवास के ठीक सामने बैठे हैं और लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे आपकी, आखिर क्या किसको लेकर के अभी तक इतना? सर, हमारा सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुका है नवंबर 2022 का ही, अभी तक कोर्ट ने कंप्लायंस, कोर्ट के अधिकारियों ने कंप्लायंस नहीं किया कि जो भी आदेश उसका कंप्लायंस कराए। हम अब करके यहाँ पे शिक्षा मंत्री जिससे पिछले 26 सितंबर को मिलने आए थे, उस दिन हमारे आश्वासन पे इन्होंने भेज दिया कि हम आपके प्रकरण पे मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद जो भी सूचना होगी हम आपको बताते हैं, आपका केस फॉरवर्ड कराते हैं और आपको जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन सरकार का रुख नहीं है क्या नियुक्ति करने को लेकर? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि 1% अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। उस दिन बात हुई, इन्होंने कहा कि आप लिखित मुझे दे दिए, अगर मीटिंग हम करते तो आपको, तो हमारी मांग थी कि आप उसमें जनप्रतिनिधि के रूप में हमें भी आप शामिल कर लीजिए ताकि आपके अधिकारी आपको गुमराह न कर सके। फिर कोर्ट का आदेश क्या कहता है आपके हक में, क्या कि हम लोगों को नियुक्ति दे? और ये साल भर से हम लोगों को दौड़ा रहे हैं, 2 महीने से ऊपर हो गए। हम लोग, इतनी बारिश हो रही थी, हम लोग बैठे थे, कोई अधिकारी इनका, कोई मंत्री सुध लेने नहीं आया। हम लोग किस हालात में वहाँ पे रह रहे हैं, 2 महीने से ऊपर हो गए सर, इसीलिए आज हम लोगों को यहाँ उतरना पड़ रहा है इनके अधिकारी। कुल कितने अभ्यर्थी हैं जो इस लड़ाई में? कुल 2200 लड़के हैं, लेकिन 1500 लड़कों को मिलना है। 1500 लड़के हम लोग हैं जिनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। आंदोलन जारी रखें? ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलेगी। नियुक्ति को लेकर के नाराजगी, और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिला अभ्यर्थी हैं, वो भी इस वक्त फिलहाल बैठी हुई हैं। आपकी मांग क्या है, कितना देर हो गई, कितनी नाराजगी? पिछले 66 दिन से हम लोग धरने पर बैठे हैं, गर्मी हो या कुछ भी परेशानी हो हम लोग अपने धरने पर हुए, लेकिन कोई भी अधिकारी हमसे मिलने नहीं आता है। हमारी मांगों को पूरा करने के लिए अभी तक किसी ने कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। दी जाती क्या कहा जाता है? सरकार कह रही है सबर करिए हम कर देंगे, दिक्कत क्या? सिर्फ आश्वासन नहीं दिया जाता है। हम बहुत शांतिपूर्वक सारे कार्य करके देख चुके हैं, अब हम यहाँ आए हैं, अपना हक लेकर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे साथ है, हम कोई बेकार की मांग नहीं कर रहे। जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाएगी हम यहीं बैठे रहेंगे, यहीं डटे रहेंगे, उसके चाहे कुछ भी करना पड़े हम यहीं रहेंगे, यहीं लड़ेंगे। हमें नियुक्ति चाहिए। नियुक्ति चाहिए? मैं बिजनौर से आई हूँ, 600 किलोमीटर दूर से, उत्तराखंड से मेरा आखिरी छोर लगा हुआ है बिजनौर से, पूरा 66 किलोमीटर दूर से। हम 66 दिन से हम यहाँ आते हैं रोज। सरकार की कार्यपालिका पे आपको भरोसा नहीं है? सरकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पूरे 11 महीने बीत चुके हैं और हम अधिकारी से मिलने जाते हैं, सिर्फ हमें आश्वासन दिया जाता है लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। कोई भी कार्य होगा अभी तक नहीं की गई, हमें हार के यहाँ आना पड़ा है, लेकिन अब हम यहाँ से नियुक्ति लेके जाएंगे। लेकिन आते क्या कहेंगी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन चल रहा है आपका, अभी तक सरकार ने कोई निश्चित टाइम तो होना चाहिए? हमारा 3 साल हो गए काम चल रहा है, काम कहाँ तक चला है हमें कुछ एक बार ठोस बता दीजिए कि आपका काम जब तक हो जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। वहाँ हमारे घर पे बच्चे बूढ़े परेशान हैं, यहाँ हम परेशान हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या यही होता है जो ऊपर कुर्सी पर बैठा है, क्या वही होता है? उसकी पर्चा सारी रोड पे पड़ी है। मंत्री का रवैया नाराजगी भरा है, वो ध्यान नहीं दे रहे आपकी मांग? कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम 3 महीने से वहाँ पे पड़े हैं, कोई देखने नहीं आया, कोई सुनने नहीं आया, कोई सुध लेने नहीं आया। मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बारिश है, गर्मी है, कुछ भी है। कहना चाहते पिछली बार हम यहाँ आए थे, शिक्षा मंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपके मैटर को कार्यवाही की जाएगी, और उनका जो टाइम था वो सब खत्म हो चुका है, तब हमें हार के दोबारा यहाँ से आना पड़ा है। तब तक वो लिखित कार्यवाही नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, उसके लिए हम आत्महत्या करनी पड़े, हम करेंगे यहीं। गिरफ्तारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी हो जाए, हम अपना घर परिवार छोड़ के, बीमार अपने माँ बाप को, भाई बहन को छोड़कर हम यहाँ आए, पिछले 66 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, और तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक शिक्षा मंत्री हमारे नियुक्ति के लिए कोई आदेश पारित नहीं। तकलीफ होती है इतनी काबिलियत होने के बाद भी सड़क पर बैठे? आज हम सड़कों में बैठे हैं काबिलियत होने के बाद, क्या इसीलिए हमारे माँ बाप ने हमने पढ़ाया है कि आज हम यहाँ बैठे हैं? और हमारे घर वालों ने कह दिया है कि यहाँ से चाहे बॉडी आ जाए लेकिन ऐसे छोड़ के मत आना। बिल्कुल मत छोड़ जाएगा वहाँ पे, नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। पर आप देखिए किस तरीके से आंसू नहीं थम रहे, महिला अभ्यर्थी हो पुरुष हो तमाम यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन उनकी मांग है कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने इस नियुक्ति में देरी की है, और इसी को लेकर के बड़ी संख्या में तमाम अभ्यर्थी आज मंत्री बेसिक शिक्षा संदीप सिंह के आवास के सामने खड़े हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, आप देखिए किस तरीके से पुलिस के प्रशासन भी यहाँ पर है ताकि अगर ये उग्र हो या किस तरीके की स्थिति हो तो कंट्रोल किया जाए। और इधर ही नहीं, मैं आपको दूसरी तरफ भी दिखाता हूँ, वहां पर बैरिकेड किया गया है, वहां
वहां पर भी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं वहां पर पुलिस बल ने रोका है। पीएसी की गाड़ियां यहां मौजूद है, लेकिन जो अभ्यर्थी मंत्री के घर के सामने आने में कामयाब रहे वो वहां पर धरना दिए बैठे हैं। लेकिन सामने आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में वहां पर भी अभ्यर्थी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सवाल यही है कि 69,000 भर्ती को लेकर के सरकार को हाईकोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा लगी, लेकिन इसके बावजूद भी 11 महीने बीतने के बाद अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के कुछ भी रवैया साफ नहीं आ रहा, जिसके चलते कहीं ना कहीं नाराजगी है और बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी जो हैं वो इस वक्त प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हैं। और आप देखिए तस्वीरों में कैसे मंत्री के घर के दूसरी तरफ यहां पर बड़ी संख्या में भी अभ्यर्थी मौजूद हैं, एक एक करके पहुंच रहे हैं और सबकी मांगे ये है कि कहीं ना कहीं सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना क्यों है, जब आपको कहा गया तो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यह है कि पिछले एक साल, लगभग एक साल हो गया है, 9 नवंबर 2022 को हमारा आर्डर आया हुआ सुप्रीम कोर्ट से हो गया है कि जो बच्चे एक नंबर से पास हो रहे हैं उन्हें जो मेरिट में आए उनको नियुक्ति दीजिए। लेकिन अभी तक एक साल ये बीत गया और 66 दिन आज इको गार्डन में हो गया है। हम बहन बेटियों भाइयों को धरने में देते हुए सारे अधिकारियों को पता है, शिक्षा मंत्री जी से अभी जल्दी में 26 तारीख को मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा हमारे प्रकरण में मीटिंग कराएंगे, कोई मीटिंग नहीं हुई है। संज्ञान में होते हुए हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए कुछ भी नहीं, क्यों नहीं हो रहा? अगर मंत्री ने कह दिया भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? मैं बता रही हूँ, पिछली बार हम यहाँ पर आए, शिक्षा मंत्री ने कहा कि आप लोग, हम यहाँ बैठे एक शिक्षक है, यहाँ पे PhD MSc MEd मतलब BTC टेट सुपर टेट सारे बच्चे पास हैं, इनके अधिकारियों ने पेपर गलत बनाया, हमें पता था इनका पेपर गलत है, हमने चैलेंज किया, यहाँ तक इनकी काउंसलिंग होने जा रही थी, काउंसलिंग ठप हो गई। 25 अगस्त 2021 को हमारा नंबर पड़ा यहाँ से, इलाहाबाद से, हमने सोचा हमारी नियुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद 8 महीने के बाद ये लोग हमें गुमराह करते रहे, तुम्हारा काम चल रहा है, तुम्हारा काम चल रहा है, हमें गुमराह करते रहे। 8 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कहते ना साच को आंच नहीं, सुप्रीम कोर्ट से हम जीते, सुप्रीम कोर्ट से हम जीते, वहां से 9 नवंबर 2022 को हमारा ऑर्डर आया जो बच्चे मेरिट में आ रहे हैं उनको नियुक्ति दो। लेकिन आज एक साल होने वाला है, लिस्ट PNP से हमारी लिस्ट पहुंच चुकी है, इतने बच्चे पास हुए मेरिट में आज नियुक्ति दो, एक सिग्नेचर नहीं किया गया। इन अधिकारियों से मिलते हैं, कहते हैं कि आपकी मीटिंग कराएंगे, मीटिंग कराएंगे, हम लोग यहाँ से चले गए, एक शिक्षक की तरह यहाँ से चले गए। उस बात को भी कितनी तारीख को आए थे हम लोग? 26 सितंबर को हमें आए, आज 26 सितंबर से यहाँ से हट जाओ तब हम मिलेंगे। हमने वोट डाल के चुना इनको, FIR करवा देंगे पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सड़कों पर टहलवाएंगे। एक तरीके की धमकी दी गई, इस तरीके की हम लोगों को धमकी दी गई है कि आप सबको सड़कों पर टहलवाएंगे, पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा आप लोगों पे FIR किया जाएगा। हम लोग अपने हक के लिए शिक्षा मंत्री के पास मिलने आए तो शिक्षा मंत्री से मिलने नहीं दिया जाता है, बोलते हैं शिक्षा मंत्री है नहीं, शिक्षा मंत्री पिछली बार थे, बोले कि होती है बेटी होकर के इस दिन के लिए पढ़ाई की। सर सर तकलीफ इतनी होती है ना, दिल रो रहा है, कोई देख नहीं पाएगा, ये दिल रो रहा है, हम लोग छाछठ दिन हो गया है, शिक्षा मंत्री इसी घर में रहते हैं। BJP का नारा है बेटी चाहो बेटी पढ़ाओ, देखिए देखिए कितनी बच्चियों के बाप नहीं है, कितनी बच्चियों के भाई मानसिक विक्षिप्त है, सोचिए नौकरी मिल जाएगी उनका इलाज कराएंगे, ये आप दिखाइए कैमरा दिखाइए। नाराजगी बड़ी है, सवाल बड़े हैं और सरकार से इस बात को लेकर के दावा और सवाल किया जा रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक 11 महीने होने पर भी क्या सरकार अभी तक सुध नहीं ले पाई है। और जिस तरीके की तस्वीर आज बेसिक शिक्षा मंत्री के घर के ठीक सामने दिखाई देती है, जहां पर हजार की संख्या में ये अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारी नियुक्ति का क्या, उस आदेश का क्या जिसके अनुपालन की बात कही गई थी, और सरकार पे सीधे तौर पर नाराजगी दिखाते हुए आज लखनऊ में मंत्री के आवास के ठीक सामने धरने पर बैठे नजर आते हैं। लखनऊ से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा आज तक।